मौजूदा जो परिस्थिति पैदा हो गई है उत्तर प्रदेश में, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और तनातनी का आलम है, हालांकि किसान और सरकार के बीच एक समझौता जरूर हुआ है, लेकिन न्याय का अभी भी पूरे देश को इंतजार है। मोहिनी मोहन जी, चित्रा जी, आप ड्राइवर और बाकी लोगों का मृत्यु का बारे में उठाया था विषय, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे उनको पीट पीट कर मार रहे हैं, आप इसको किसान आंदोलन बोल रहे हैं? ये तो आतंकी वारदात जैसा है जो देख रहा है, इतना भयानक है, ये तो आतंकी वारदात है। ये सारी राजनीतिक रोटियां जो लोगों के मृत्यु के ऊपर जो चीता जलने वाले उसमें सेकने वाले लोग हैं। दो दिन पहले गांधी जी की जयंती गई, कम से कम हिंसा को तो निंदा करें, वो कांग्रेस की पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, कम से कम ये जो हिंसा हुआ है उसको तो निंदा करें। हम निंदा करते हैं, हिंसा के लिए समर्थन के लिए कैसे भाग भाग जा रहे हैं वहां लखीमपुर खीरी। तीसरी विषय है, ये कहीं भी देश में अगर कोई वारदात होता है, कोई हिंसा घटना होता है, इसको किसान आंदोलन के साथ क्यों जोड़ा जाता है? ये किसान आंदोलन को इतना बदनाम करने का क्यों किसी को अनुमति मिला है? तो ये पहले दिन से अंदेशा था, ये लोग हिंसा और राजनीति करने वाले लोग है, किसान है, नेता भी है किसान नेता, मगर पहले दिन से सारी मीडिया में चर्चा भी चली थी, ये आगे चलकर हिंसा करने वाले हो राजनीति करने वाले है। तो इस आंदोलन को आगे चलकर कभी भी किसान आंदोलन मत बोलिए। जिस तरीके से यहाँ हिंसा हुई, आंदोलन में हिंसा मत बोलिए, ये आतंकी वारदात है, आप देख नहीं सकते, आपने बोला विषय को। अगर वो जो ड्राइवर है, बाकी लोग जो मारे गए, वो कोई किसान का बेटा नहीं है क्या? 45 लाख रुपया जो किसान को देने वाली बात हो रहा है। अरे मोहिनी जी सुन लीजिए, सारी ये भारतीय किसान, सुन लीजिए किसी भी स्थिति में हिंसा को ठीक है उनका जवाब सुन लेते हैं। आपका गृह राज्य मंत्री जो है देखने में धमकी देता है, आपके अफसर सिर फोड़ने की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री लठ उठाने की बात करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, दीजिए जवाब, आप तो दोनों प्रवक्ता बैठे हो, हिम्मत है तो दे दो तीसरा जवाब। ये तीनों बयान आपके क्यों आए? ये आतंकवादी नहीं है? कौन से किसान ने कहा आज तक कि इस देश में हिंसा होनी चाहिए, आंदोलन में हिंसा होनी चाहिए? आपके मंत्री कह रहे हैं हिंसा करने की बात कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिखाई दे रहा। बैठ गए हो भारतीय किसान संघ, अरे किसान शब्द आप हटाइए, भारतीय आतंक संघ हो आप, आतंक संघ हो आप। पहले तो हिंसा को निंदा करो, फिर बात करना। राजनीति को राजनीति से बाहर आओ, तब बात करना। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अगर आप किसानों को रोंदने का काम करोगे तो किसान भी तुम्हें वही रोंदने का काम करेगा, वही रोंदने जाओगे तुम, अच्छी तरह समझ लो। अगर किसानों को रोंदोगे, किसानों को कुचलोगे, तुम्हें भी किसान नहीं छोड़ने वाला है, वही रोंदे जाओगे। पूरे देश को संदेश समझ लेना चाहिए। तो वो चार लोग, एक सेकंड, चौधरी पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, किसानों के प्रति पूरे सम्मान को व्यक्त करते हुए, तो क्या चार किसानों की मौत हुई इसी वजह से, तीन बीजेपी कार्यकर्ता और एक उनके ड्राइवर को मार दिया गया? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, नहीं आपने कहा अगर कुचला जाएगा तो ये भी वही कुचले जाएंगे। तो उन चार लोगों को जो बीजेपी के लोग हैं, उनको किसने मारा? उनको किसने मारा? चौधरी पुष्पेंद्र जी, इनके साथ भी जब जो खट्टर बोलता है, किसान का चेहरा नहीं होता, खट्टर बोल रहा है चौधरी पुष्पेंद्र जी। ठीक है राकेश जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। वही जैसे को तैसा मिलेगा, जैसा तुम्हारा मुख्यमंत्री खट्टर बोल रहा है जैसे को तैसा। अगर तुम हमें कुछ लोगे, हम भी तुम्हें कुछ लेंगे, वही कुछ लेंगे, और चुनाव में भी तुम्हें कुछ लेंगे, और वहां भी कुछ लेंगे, समझ लो। आपको अंदाजा है चौधरी पुष्पेंद्र जी आप क्या बोल रहे हैं इस समय? मैं बिल्कुल, मुझे टीवी पर आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस बयान के आप भड़काने का काम कर रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र जी। किसानों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए, किसानों के प्रति पूरी संवेदना, इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए चौधरी। चित्रा जी, मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध, चित्रा जी मेरा अनुरोध है, ये इस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोलने पर इनको रोक लगाइए, क्योंकि इस प्रकार के संवेदनशील मसले पर इस प्रकार के बयान, सर आपके नेता राकेश त्रिपाठी जी, आपके नेता भड़काऊ बयान क्यों देते हैं? राकेश त्रिपाठी जी, आपके भी नेताओं की ओर से भड़काऊ बयान दिया जाता है, तो उनको भी तो कहिए कि वो चुप रहें।
भड़काने वाला बयान किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी।